बिजनौर पुलिस के हाथ लगा वर्दी वाला ठगी। नौकरी दिलवाने के बहाने करता था लोगों के साथ ठगी। दर्जनों लोगों को लगा चुका था नौकरी के नाम पर चूना। बिजनौर पुलिस ने किया फर्जी दरोगा को गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहां वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाने और अवैध वसूली के साथ साथ पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इतना शातिर था कि लोगों को शक ही न हो इसके लिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी देता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन के अनुसार हल्द्वार के गांव शेरपुर कल्याण निवासी सेंटी कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से अवैध वसूली करता था। इतना ही नहीं पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर भी लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने लोगों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिए थे। पुलिस को आरोपी सेंटी कुमार की वर्दी पहनकर गांव में आने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने छापा मारकर नकली दरोगा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी विपिन कुमार नाम के एक व्यक्ति को नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर पैसे लेने के लिए गांव आया था। थाना हल्द्वार क्षेत्र निवासी सेंटी कुमार जो कि शेरपुर कल्याण ग्राम थाना हल्द्वार का रहने वाला है, कल कोतवाली नगर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की, जिसने कि फर्जी पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लेता था, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था। दो लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कल देने आया था, जिस सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। पूर्व में भी विगत वर्ष या 370,000 रुपये एक व्यक्ति से लेकर उसकी भी नौकरी लगवाने के लिए इसी तरह से प्रयास इसने किया था धोखाधड़ी करने का, उसमें भी मुकदमा लिखा गया था और उसकी गिरफ्तारी की गई थी।